नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर व्यक्ति हमारे सामने जो है प्रश्न करता है, मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या मैं इन रत्नों को टेस्ट करूं या नहीं करूं। तो जो जिसकी कुंडली के अंदर उपयुक्त रत्न होते हैं उनको टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। और अगर मनमाने ढंग से नाम रखा हुआ है तो फिर तो आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा। अब मैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए मैं बोल रहा हूं। कन्या लग्न और लग्न जो है ये हमारा शरीर है, ये हमारा मस्तिष्क है, इसको बल देना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि दुनिया के अंदर जो भी जितने भी कार्य होते हैं बुद्धि बल से होते हैं या बाहुबल से होते हैं। शरीर अगर मजबूत है, स्वस्थ है, तो जीवन में हम जो है पहला सुख निरोगी काया, अर्थात हम जो है सबसे पहले सुख को प्राप्त कर जाएंगे। तो कन्या लग्न का मालिक बुध होता है और उसका रत्न होता है पन्ना, एमरेल्ड। और ये बुध आपका दशमेश भी है, तो दो दो स्थानों का मालिक होने से यहाँ पर आपको पन्ना रत्न पहनना उपयुक्त रहेगा, सबसे श्रेष्ठ रहेगा। द्वितीय आपका शुक्र है, द्वितीय स्थान पर तुला राशि है और ये शुक्र आपके नवमेश भी है, भाग्येश भी है। अपने करियर के लिए, भाग्य के लिए, धन के लिए, कुटुंब के लिए, स्त्री सुख के लिए आपको जो है हीरा रत्न धारण करना चाहिए। और अगर हीरा आप नहीं पहन सकते, अपने वजन के अकॉर्डिंग, जितना आपका वजन है उसके हिसाब से 2 सेंट पर किलो, अगर आपका 100 किलो वजन है तो आप 200 सेंट हीरा पहने। 200 सेंट का मालूम है कि पता है क्या होता है, 2 कैरेट, बहुत महंगा हो जाता है। तो वहां पर उसके विकल्प के अंदर आप ओपल भी पहन सकते हैं, लेकिन ओपल पहने तो फायर ओपल पहने, बल्कि डबल फायर ओपल पहने, वो सबसे ज्यादा गुणकारी होगा। तीसरे स्थान का मालिक जो है आपके मंगल है, जो अष्टमेश भी है। तो मूंगा रत्न कभी भी धारण ना करें। अब आता है चौथा स्थान, तो चौथे स्थान का मालिक धनु राशि है, वहां पर उसका मालिक है बृहस्पति, जो कि सप्तमेश भी है। तो केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो हो, केंद्र के अधिपति होने का गुरु को दोष लग गया, इसलिए गुरु शुभ होते हुए भी पापी हो गया, बृहस्पति शुभ होते हुए भी पापी हो गया। तो यहां पर आप पुखराज ना पहने, ये कन्या राशि वालों के लिए बता रहा हूं, कन्या लग्न वालों के लिए बता रहा हूं। अब पांचवा स्थान जो है वहां पर मकर राशि है आपकी, और मकर राशि का मालिक शनि होता है, जो पंचमेश भी है और षष्ठेश भी है। पंचमेश होने से शुभ है और षष्ठेश होने से पापी है, तो ये मिला जुला फल देने वाला होगा। लेकिन फिर भी आप नीलम रत्न आप पहन सकते हैं। अब चलते हैं सप्तम स्थान का मालिक बृहस्पति, वो बता चुका हूं, अष्टम का, नवम का, दशम का मैं बता चुका हूं। अब आप चलिए एकादश स्थान के अंदर, और एकादश स्थान का मालिक है आपके चंद्रमा, कर्क राशि है वहां पर। चंद्रमा और बुध जन्मजात बैर है इनके, तो आप मोती नहीं पहने, मोती आपके लिए नुकसानदायी होगा। और द्वादश इस आपके सूर्य है, खर्चे ही खर्चे का मालिक है, भोगी भोग का मालिक है, तो उन चीजों को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए आप माणिक भी ना पहने। अब कितना पहने और कब पहने, तो आपके लिए सबसे पहले एमरेल्ड अर्थात पन्ना आप अपने वजन के अनुसार पहन सकते हैं। अगर आपका वजन 50 किलो है तो आप कम से कम 5 रत्ती 6 रत्ती 7 रत्ती तक भी आप पहन सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 रत्ती। और उसको 11,000 मंत्र बुध के जाप करके या करवा के, और 10वां हिस्सा हवन करके और प्राण प्रतिष्ठित करवा करके आप पहने, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम साह बुधाय नमः, ये इसका मंत्र है। दूसरे नंबर पर हीरा आप पहन सकते हैं,
उसको भी वही 11,000 मंत्र से जो है प्राण प्रतिष्ठित करवा करके, मंत्र जाप करके, हवन करके और प्राण प्रतिष्ठित करवा करके आप पहने, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः। और तीसरा रत्न मैंने आपको बताया नीलम, वो भी अपने वजन के अनुसार ही पहना जाएगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः, इस मंत्र के 11,000 मंत्र जाप करके दसवां हिस्सा उसका हवन करवा करके, यानी 1,000 या 1,100 आहुतियाँ दे करके, और फिर जो है आप प्राण प्रतिष्ठित करवा करके आप उसको पहनिएगा। कौन कौन सी अंगुली के अंदर पहन सकते हैं? पन्ना के लिए सबसे छोटी अंगुली, हीरे के लिए रिंग फिंगर जिसको अनामिका कहा जाता है, नीलम के लिए मध्यमा, पुखराज के लिए तर्जनी, मूंगे के लिए अनामिका और माणिक्य के लिए भी ये अनामिका ही होती है। अगर एक जगह पर दो रत्न अगर हमें इनमें से पहनना है तो एक तो आप जो है अनामिका में पहने, दूसरे उसके मित्र राशि के स्थान पर आप पहन सकते हैं। अब रत्न कहाँ से शुद्ध मिलेंगे, कैसे शुद्ध मिलेंगे, कहाँ से हम मंगवा सकते हैं, क्या गारंटी है, तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके और हमसे आप रत्नों की जानकारी ले सकते हैं, रत्न मंगवा सकते हैं। सर्टिफाइड रत्न होंगे, लैब टेस्टेड होंगे, जिनको आप संसार में कहीं भी टेस्ट करवा सकते हैं, किसी भी लेबोरेटरी से जो है आप उसको चेक करवा सकते हैं और मंगवा सकते हैं, धारण कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष वास्तु तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे यूट्यूब चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुला मुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्री वशिष्ठ.com।